3 दिनों के बाद हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ धाम में मौसम एक बार फिर सुहाना हो चुका है। इस समय चरम पर चल रही है, ऐसे में पहली बार बर्फबारी चोटियों पर हो चुकी है, जिसके बाद बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में जबरदस्त कड़ाके की सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम सुहाना होने के साथ ही थोड़ी सर्दी से राहत मिल चुकी है, लेकिन हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ धाम में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। अब धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में कड़ाके की सर्दी का सितम पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में लगातार यात्रा अपने चरम पर चल रही है। बद्रीनाथ में अजय कृष्णा मेहता की रिपोर्ट। मौसम थोड़ा बारिश का रहा, लग रहा मौसम बारिश का टल गया है, फिर भी ठंड थोड़ी बढ़ी है और चोटियों में बर्फ आ गई है। सुंदर सुहानी चोटियां लग रही हैं। बस 3-4 दिन पहले बारिश ज्यादा थी, इसका अलर्ट भी सरकार ने किया था, लेकिन अभी सब ठीक ठाक आ रहा है। आज का मौसम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ौदा गुजरात से आए हैं हम। कल शाम को यहाँ पे 9:30 बजे आए, तब थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंड भी थी, लेकिन आज मौसम बहुत खुला खुला है, एकदम साफ है, हल्की सी धूप भी है और दर्शन के लिए बहुत अच्छा समय और अच्छा टाइम है ये। और हमारे दर्शन भी आज सुबह सुबह हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें।